मिले। मैं कहता हूँ आज भी फोर्स में बिना कोई मुझे पैसे के भी रख ले तो मैं जाने को तैयार हूँ। मैं एक रुपए भी मेरे को फोर्स से कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर आर्मी में फ्री में भी जॉब दिया जाए कि आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा, बस आपको वो आर्मी की भर्ती और वो AK-47 और बॉर्डर पे ड्यूटी, बस ये तीन चीज मिल जाए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही देश सेवा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। और दोस्तों आज मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ कि कैसे मैं मेरा मतलब री मेडिकल पॉइंट मिला और क्या क्या हुआ था मेरे साथ। सबसे पहले दोस्तों बता दूं, 26 तारीख को हम लोग का मेडिकल शुरू हो गया, ठीक है, और हम लोग 26 तारीख को पहुंचे। हम लोग का सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा भी डॉक्यूमेंट है और सारे बच्चों का भी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, देन हम भी उसी में थे, ठीक है। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को देख रहे थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा हम लोग अपने फॉर्म फिलअप कर रहे थे। आप सबको पता है फॉर्म एक मिलता है कि आपने कभी रिजेक्शन आपको मिला है कि नहीं, क्या हुआ है, तो वो फॉर्म हम लोग को मिला था और हम लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे थे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद हम सबको फॉर्म को ले जाके सबमिट करना पड़ा। हम लोग जाके फॉर्म को सबमिट किए और उसके बाद दोस्तों हमें एक और फॉर्म मिला जो आपका एडमिट कार्ड होता है, वो एडमिट कार्ड हमें मिला। हमने उस फॉर्म को भरा और जाके वहां पे सबमिट कर दिया। 27 जो आप लोग का 26 तारीख था दोस्तों, पूरा दिन भर हम लोग का मेडिकल दोस्तों चला, मतलब मेडिकल नहीं, हम लोग का जो मेडिकल का प्रोसेस होता है, जैसे मेडिकल के जाने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो हम लोग का दिन भर चला। वो दिन भर चलने के बाद हम लोग को शाम को 6 से 6:30 बजे करीब, जब ये दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग को ले जाया गया। कहां पर हम लोग को ले जाया गया? मेडिकल के लिए। हम लोग मेडिकल के लिए 6 बजे जाते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों मेडिकल का दोस्तों जो बैच बना था, 14 बच्चों का बैच बना था जिसमें हम भी था, और हम लोग को पहले रात में हम लोग का मेडिकल हुआ। उस दिन दोस्तों मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं मिला था, हाथ पैर मेरा सब कुछ ठीक, कलर विजन वगैरह में कोई भी पॉइंट नहीं मिला था। ये आपको मैं बता रहा हूं 26 तारीख की बात। अब दोस्तों 26 तारीख के बाद आता है 27 तारीख। 27 तारीख का दिन हम लोग गए। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या हुआ, तो हमारा वहां पे डिस्टेंस विजन का टेस्ट हुआ। जो 14 बच्चे थे वहां में से डिस्टेंस विजन का टेस्ट हुआ। वहां पे दोस्तों जो एम लिखा हुआ था नीचे में, मैंने उसको एच पढ़ दिया गलती से, क्योंकि वहां पे जो आंख वैसे दबा रहे थे वो थोड़ा ज्यादा जोर से दबा दिया था, तो मैं थोड़ा सा हचक गया था और थोड़ा डिस्टेंस मुझे ज्यादा लगा, और लाइट भी वहां पे था नहीं, और जो चार्ट था वो बहुत छोटा था तो मेरे को लगा, और दीवार में चिपकाया हुआ था, जेरॉक्स वगैरह था कुछ, प्रॉपर चार्ट भी नहीं था, तो शायद उसके चलते मेरे से गलती हो गया, तो मुझे शायद उसी टाइम री मेडिकल पॉइंट मिल गया था। और ये मुझे पता भी था कि शायद मुझे री मेडिकल पॉइंट मिल गया, बट मेरे को पता था कि मेरा आंख बिल्कुल सही है, तो मेरे को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर री मेडिकल पॉइंट मिलता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग री मेडिकल जाकर फिट हो जाएंगे, और आजकल तो री मेडिकल बहुत जल्दी हो जाता है, जो मेरे मन में था बहुत जल्दी, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सेम चीज वही हुआ। और आपको एक चीज बता दूं, जो हम लोग का 26 तारीख को था, उस दिन में 27 तारीख को हम लोग के जो डीजीआई सर थे वो वहां पे आके बोले कि कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई ऑफिसर वहां पे पैसा लेते हुए पकड़ाया गया है, उन पे कार्रवाई हुई, तो कोई भी बच्चा कोई भी आपसे पैसा मांगे उसको पैसा मत देना, यहाँ पे पैसे कारोबार कुछ भी नहीं होता है, सर ने हम लोग को साफ साफ वहां पे आके कहा। शायद 26-27 तारीख को सर ने कहा था सब बच्चों को बैठा के, जब हम लोग का मेडिकल 4 घंटे के लिए वहां बंद भी था अंदर में सेंटर में, 4 घंटे तक मेडिकल वगैरह नहीं हुआ, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर में कुछ चल रहा था आपस में, तो कुछ हुआ, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई या क्या हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ चल रहा था। तो डी सर ने आगे कोई भी पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना, यहाँ पे सेंटर में पैसा कारोबार नहीं चलता है। ये बात मेरे मन में बैठ गया था कि पैसा कारोबार तो नहीं चलता है, हम लोग अपने दम पे आए, हम लोग अपने दम पे सिलेक्शन लेके जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सब खत्म हो जाता है तो हमें री मेडिकल पॉइंट मिल गया था, तो मुझे 27 तारीख को भी नहीं पता था, शायद 27 तारीख को नहीं पता था, 28 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख को बहुत सारे बच्चे आए थे, सबका मेडिकल होना था, तो हम लोग को 28 तारीख को सुबह सुबह बुला के पेपर दिया गया कि आपको री मेडिकल मिला गया। मेरा एक ही पॉइंट था, वो था डिस्टेंस विजन का, जो कि मेरा आंख सही है फिर भी मेरे को डिस्टेंस विजन का पॉइंट मिला था। और मैं जब री मेडिकल के लिए दोस्तों गया तो वहां पे 28 तारीख को री मेडिकल नहीं हुआ, हम लोग को 9 दिन तक वहां पे दौड़ाया गया, क्योंकि डिस्टेंस विजन में बहुत सारे बच्चे थे। आपको एक वीडियो प्ले करके मैं दिखाता हूँ, जब मैं डिस्टेंस विजन के लिए जाने वाला था, और नहीं जाने वाला बोल रहा हूँ, जाके आ गया था, एग्जाम दे गया, मैं कितना कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ सही पढ़ा था री मेडिकल के टाइम पे, और मेरा वो वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। लेकिन हम लोगों ने एक वर्ड भी गलती नहीं किया, ना इसने किया है ना मैंने किया, साफ साफ दिख रहा था। डॉक्टर बोल रहे हैं ये लोग का आँख 6x6 है, पता नहीं री मेडिकल वाला गांजा पिया हुआ था जो डॉक्टर हमको री मेडिकल दिया है, क्योंकि वो 6x5 पूछ रहा है। यहाँ देखे हुए टीच वेट कर रहे हैं, ऐसे ही मन हुआ तो वीडियो बना लिए, पता नहीं। जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है आज, 10 दिन से हम लोग जो कुत्ते की तरह घूम रहे हैं ना, ये हमको पता है, मेरा भाई है री मेडिकल 26 तारीख वाला, उसको पता है कुत्ते की जिंदगी हो गई है आँख सही रहते हुए भी।
अगर हम लोग ये दो वर्ड सही पढ़ लेते तो आज 10 दिन तक यहाँ पे नहीं मरना पड़ता। हम ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे आप देख सकते हैं, सारे मेडिकल अभी भी और बच्चे आए हुए हैं नहीं। इसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं पास हो जाऊंगा, कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ा है री मेडिकल में। लेकिन दोस्त हुआ क्या, मैं फेल हो गया। और जब मैं फेल हुआ तो और एक चीज को बताता हूँ कि जब मैं देने से पहले, जब मैं आपको री मेडिकल देने गया था उससे पहले मेरे साथ क्या हुआ, तो ये तो आपको उस दिन का है जिस दिन मैं दे के आया था री मेडिकल। उससे ठीक एक दिन पहले मेरे को, हम लोग को शनिवार के दिन मुझे सुबह के टाइम पे एक जन मुझे मिला वहां पे, उसने मुझे पैसे की डिमांड की थी। तो मैंने कहा यार डीजी सर ने मना किया है, ऐसे किसी को, और 1,00,000 रुपए, मतलब देखिए अब किसी लोग के लिए आसान होता है बट हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1,00,000 बहुत ज्यादा होता है। तो 1,00,000 रुपए उन्होंने भाग में कितना आया, पैसा ले करेगा, अरे आप लोग आंख सही है यार, हम लोग सही है, हम लोग फिट हो जाएंगे, हम लोग क्या पैसा देना भाई, कोई पैसे से नहीं देना, चल। तो हमने पैसा ऐसा नहीं दिया। उसने बोला था भाई कि अगर तू इतना ही घमंड एटीट्यूड से जा रहा ना, पैसा नहीं देंगे, तो एक चीज याद रखना, तू कुछ भी कर ले तू पास नहीं हो पाएगा। हमने बोला भाई हम लोग का आंख सही है, हम लोग पास होके दिखाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। उसने कहा ठीक है भाई तू पास हो जाना, मैं दीदी देख लूंगा। मैंने कहा चल भाग यहां से। और मेरा किस्मत इतना खराब है ना दोस्त, मेरे माइंड में मैं बहुत मतलब क्या था, मेरे को रिमेडिकल डिस्टेंस डिसीजन लेना था। मैं डिस्टेंस डिसीजन में अपने आराम से घर जा रहा था, मैं देख रहा था चैट वगैरह वो कैसे कैसे छोटा छोटा चैट है, अक्षर पहचान सकता हूँ कि नहीं मैं दूर से, तो मैं उसके चक्कर में अपना अलग टेंशन में था। मैं सोचा रिमेडिकल में फिट होकर जाएंगे यार, मैं बहुत खुश था, अपने मैं वीडियो भी देखा, मैं बहुत खुश था रिमेडिकल टाइम पे कि मैं फिट होकर जाऊंगा यार, मैं कटने वाला हूं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं कटने वाला, मेरे को पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। लेकिन हुआ उसका पूरा उल्टा। जब हम लोग को सोमवार को मैं कॉन्फिडेंस में था, लेकिन जब शाम हो गया और शाम में मुझे बुला के जब पेपर साइन कराया गया, उसमें कहा गया कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, मेरा तो सांस थम गया पूरा। मैं बोला रिजेक्ट भाई किस चीज के लिए, मैंने तो बिल्कुल सही पढ़ा, पता नहीं डिस्टेंस में आपको रिजेक्ट नहीं किया गया, आपको रिजेक्ट स्क्विड में किया गया। मैंने कहा ऐसे कैसे आप कर सकते हो रिजेक्ट सर, एक जन मेरे को फिट करके भेज रहा ऊपर से, जब उस सर ने देखा तो उनको पता ही नहीं चला, आपको कैसे पता चल गया। नहीं हमें पता चल गया, और पता नहीं इन लोगों ने कैसे, देखिए हम लोग का जो डिस्टेंस वेन चेक होता है तो आप सबको पता है पेन वगैरह से सब इधर उधर करके देखते हैं ऊपर नीचे, बट यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को डिस्टेंस वेन में पूछा और कुछ नहीं, आंख में से टच मारा और चले गए, बोले हाँ चलो जाओ, और बस उनको पता चले कि मैंने आंख टेढ़ा है, आंख में पूरा हाई फोकस टच से टच मार दिया और चले गए, उनको पता है कि मेरा आंख टेढ़ा है बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पे जो री मेडिकल के मतलब जो डॉक्टर थे। पेन वन से कुछ भी नहीं, आप लोग को लग रहा हो बहुत बच्चे बोल रहे कि पेन से अप डाउन करते हैं, आपने भाई सही से नहीं किया होगा इसीलिए आपको स्किन की प्रॉब्लम दे दी, पेन से बिल्कुल मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ है, मेरे आंखों में से टच मारा गया और देन मेरे को बोल दिया गया कि आपको स्किन की प्रॉब्लम है, और जबकि मेरे को प्रॉब्लम है ही नहीं स्किन का, एक डॉक्टर फिट करके भेज रहा है, एक डॉक्टर अब ये स्क्विंट की प्रॉब्लम मेरे को उन्होंने निकाल दी, इसका अगर स्क्विंट में नहीं निकालते ना भाई तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को डिस्टेंस विजन में भी क्या बोलते फिट कर दिया, मुझे फिर बोलते कि आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है, लो जबकि मेरा बचपन से है ही नहीं, ना बचपन से डिस्टेंस विजन का प्रॉब्लम है, ना कलर विजन का प्रॉब्लम है, ना स्क्विंट का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम तो मेरा है ही नहीं, अगर प्रॉब्लम होता तो मैं कोई वीडियो ही नहीं बनाता, जो प्रॉब्लम नहीं था उसमें रिजेक्ट किया गया। तो मैं जब वहां पे सेंटर में था, जब मुझे रिएक्शन मिल गया तो मैं पूरा पागल हो गया भाई, मैं तो पहले हमको अंदर नहीं जाने दे रहा, सबसे पहली बात बता दूं ऑफिसर के सामने को जाने ही नहीं दिया था, मैं बहुत रो रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था सर मेरे को प्लीज जाने दीजिए, मेरे को जो मेडिकल पॉइंट मिला है ये अलग है। जब मैं अंदर जाने को कहा तो एक जवान था वो आया, एक झापड़ में घींच के मतलब मार ठेल दिया मेरे को पूरा, समझे, फिर जो अंदर का ऑफिसर बोला नहीं नहीं भेज दो उसको। मैं क्या, मैं सर आपने मेरे को किस में रिजेक्ट किया है सर, मेरे कोई मेडिकल पॉइंट है ही नहीं, पहली बार उन्होंने मुझे भगा दिया, कहा बाद में आना, मैं था बाहर गया, मैंने देखा, मैं फिर आया दौड़ दौड़ के, सबका जब खत्म हो गया तो मैं आया सर मेरे को, तो उन्होंने ठेल के पूरा लगा के एग्जाम्पल दिया। मैं फिर आया सर ऐसे नहीं करना चाहिए सर मेरा बहुत है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको सब कुछ बताया कि सर मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक बार और देख लीजिए सर आपका प्रॉब्लम हो सकता है आपको सर। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने फर्स्ट में से बात करने को मना कर दिया, बोला कैमरा मैन आएगा तो ही मैं बात करूंगा नहीं तो नहीं बात करूंगा। तो कैमरा मैन भी आया, कैमरा मैन आने के बाद उनके पास मेरा रिकॉर्डिंग, मैं बोला ना मैं पूरा हार्टली रिक्वेस्ट किया हूं दोस्तों ठीक, मेरा आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, आप अच्छे से देखिए, बट किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा दोस्तों उन्होंने मुझे खुद ही दोस्तों भगा दिया, कहा कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बोल दिया हमारा डिसीजन फाइनल डिसीजन है। और दोस्तों मैं जब आया सेंटर से बाहर तब मुझे दोस्त याद आ रहा है कि वो जो दलाल था उसको मैंने 3-4 बार देखा, जब से वो पैसा मांगा था उसके बाद जब आया था खाने के लिए उस टाइम मैंने उसको देखा, मैं उसको गौर कर मतलब मैंने उसको इतना देखा नहीं, जब पैसे पर पैसा मांगा था तो मैं उतना सोचा नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन दोस्त सच में फेल हो गया।
और ये ना छाती में लग गया मेरा कि जो चीज मेरा को पॉइंट मिला ही नहीं था मैं उसमें फेल हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास 1,00,000 रुपया होता उस टाइम पे, पैसा दे देता, शायद आज मैं पास हो जाता। मेरे मन में इस टाइप का बातें उठने लगी और जो रियलिटी है मैंने आपको यूट्यूब पे बता दिया, ये सब हुआ था मेरे साथ एग्जैक्टली। और दोस्तों मैं हूं बोल के आपको ये बातें पता भी चल रही हैं, नहीं तो दोस्तों कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, सेंटर के अंदर तो नहीं मांगे, सेंटर के बाहर पैसा मांगा गया था और मैंने बहुत ही मेहनत किया था, 3 साल से लगा हुआ था इस चीज में। और जब एक सपना टूटता है तो अपने साथ बहुत ज्यादा सब कुछ ले जाता है, बहुत बड़े उम्मीद थी हमारी। मैंने भी सोचा था कि मैं बचपन से जिस फोर्स का सपना देखता था देन मुझे भी वो फोर्स में मिलेगा। मैंने मेरा तो आशा था कि मेरे को असम राइफल में मिले, देन मेरे को टेररिस्ट के साथ लड़ाई करने का मौका मिले, मैं भी टेररिस्ट को मारूं, देन दोस्तों अपने देश का नाम रोशन करूं, मेरे को भी दोस्तों अवार्ड से सम्मानित किया जाए, हमारी छाती में भी तबका लगे, हम लोग को भी दोस्तों मतलब बहुत ज्यादा सपना था और वो सपना टूटने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगा। सपने ऐसे टूटे कि क्या बोलूं, अब बचपन से सपना था कि फोर्स ज्वाइन करूंगा, टेररिस्ट को मारूंगा। और आर्मी में तो नहीं हुआ बट मैंने सोचा कि शायद उसकी कसर मैं असम राइफल में जाके पूरा करूंगा, मैं असम राइफल में जाऊंगा, BSF में जाऊंगा, ये सारे फोर्सेस में जाऊंगा, अपना सपना पूरा करूंगा, उस राइफल को पकड़ूंगा, देन अपने देश की रक्षा करने के लिए मैं भी खड़ा हूंगा उस बॉर्डर पे। सपना पूरा नहीं हो पाया लेकिन मेहनत अभी भी जारी है, हार नहीं मानी है हमने और कुछ करेंगे जिंदगी में जरूर। बस यही आपकी मेरे भाई की छोटी सी स्टोरी थी और वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, मैं जरूर आप सबको और भी यूट्यूब पे जो मेरा कंटेंट है वो कंटेंट के थ्रू वीडियो बनाते रहूंगा। और मेरे साथ जो हुआ था मैंने आज आपको पूरा डिटेल में एक स्टोरी टाइप से बना के बता दिया है। मैं कभी भी फोर्स को बदनाम नहीं कर सकता क्योंकि उसी फोर्स में जाने के लिए मैं पागल हूँ। आज भी दोस्तों मुझे मौका मिले, मैं कहता हूँ आज भी फोर्स में बिना कोई मुझे पैसे के भी रख ले तो मैं जाने को तैयार हूँ। मैं 1 रुपये भी मेरे को फोर्स से कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर आर्मी में फ्री में भी जॉब दिया जाए कि आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बस आपको वो आर्मी की भर्ती और वो AK-47 और बॉर्डर पे ड्यूटी, बस ये 3 चीज मिल जाए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही देश सेवा करने के लिए तैयार बैठा हूं। बट ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपको फिर दूसरी वीडियो में।